नमस्कार, मैं हूं गरिमा। स्वागत है आपका 9 भारत समाचार में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। डीग विकासखंड के उच्च गांव का दलित बस्ती प्रकृति आपदा से जूझ रहा है। आपको बता दें कि भारी बरसात होने के कारण गांव के हरचन बस्ती तथा उसी गांव की पासी दलित बस्ती के लोग भारी बरसात के कारण कईयों के मकान धराशायी हो गए तथा उनके घर के सामने जल जमाव होने के कारण निकलना भारी हुआ है। यहाँ के क्षेत्र पंचायत सदस्य तथा एडवोकेट विनोद कुमार दुबे का कहना है कि गांव में पानी निकासी व्यवस्था न होने के कारण ही यह जल जमाव तथा लोगों के कच्चे मकान ढह गए हैं। यहाँ तक कि गांव में लोग अपने कच्चे मकान से बाहर निकल कर तिरपाल तथा टेंट लगाकर जीवन यापन करने के लिए मजबूर है। आपका बुजुर्ग राम नाम है। ये कौन सा गांव है? ऊंच गांव, ऊंच की हरजन बस्ती है। रात में आपका मकान गिरा तो उसमें क्या कितने सामान दबे आपके? उसमें साहब 2 क्विंटल चावल अभी तक दबा हुआ है। बाकी सामान जितना निकाल सके उतना निकाल सके, ना है तो बाकी सामान सब उसमें दबा हुआ है। नहीं निकाल पाए साहब, दीवार गिर गई पीछे का जो है कि घर एक उधर गिर गया है पीछे, वहाँ 2 क्विंटल चावल ड्रम में रखा है वो दब गया है। एक बक्सा जो है उसमें लगभग टीवी पंखा और ये सब अगवा बगवा जितना माने गृहस्थ का सारा सामान उसमें सामान साहब एक नष्ट हो गया, दबा हुआ है बहुत बड़ा। इस संदर्भ में आपने किसी अधिकारियों को सूचित किया अभी तक? नहीं, सरकार कहाँ के आके उबन किया न के ख्याल है कि है सरकार जौन बाहर। हम गरीब आदमी ये ना छोटे छोटे बच्चे लेके नाद नतेरू हम परेशान। कोई उसमें हताहत तो नहीं हुआ? कोई दबा हुआ तो नहीं ना? नहीं साहब, कुछ ना दबा रहा, यही बुढ़िया का थोड़ा सा दब गई रही, चोट लग गया। अच्छा, इन्हें चोट लगी थी हल्की सी? हाँ सर। चलिए धन्यवाद। श्याम जी, जो मकान आपका है जो अभी खड़े थे सामने, हाँ सर, तो रात बारिश हुई है तो कितना नुकसान हुआ इसमें आपका? नुकसान हुआ, दीवार आगे का गिर गई थी, बच्चे सोए थे, बाद में फिर बाहर आके बैठे हम लोग जी, फिर उसके बाद जाके दूसरे घर में रात भर गुजारा किए हैं और उसके बाद फिर बारिश निकला। आपको प्रधानमंत्री आवास तहत अभी तक आवास नहीं मिला? नहीं मिला सर। क्यों आपने अप्लाई नहीं किया? ग्राम प्रधान से मिले नहीं? प्रधान भी नहीं दिया, अप्लाई किए हम लोग लेकिन बोले थे कि अब दे देंगे, इस बार दे देंगे, नहीं मिला। जैसे कि आपका कच्चा मकान है, 2011 BPL सूची में आप हैं, हाँ सर, तो आपको तो आवास मिलना चाहिए प्रधानमंत्री? हाँ सर, नहीं मिला। हमारे गाँव का जो प्रधान है कि नहीं हम लोग को दे रहा है, इसीलिए शासन ने योजना निकाली। आपने कभी संबंधित अधिकारियों से मिले हैं? BDO से, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी से, CDO से कभी इस विषय में आपने एप्लीकेशन दिया? प्रधान के ही भरोसे पर हम लोग थे, पर प्रधान ही देता है गांव का, इसके लिए हम लोग किसी के ऊपर हम लोग नहीं गए। चलिए धन्यवाद। यहाँ के क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, जैसा कि ऊंच के हरिजन बस्ती सरोज बस्ती में देखने को मिल रहा है कि भारी संख्या में जल जमाव है, इस पर क्या संदेश देना, क्या कहना चाहते हैं? जल जमाव का कारण है पानी का निकासी नहीं हो रहा है, और अभी तक हरिजन बस्ती में भी आपने देखा, सरोज बस्ती में भी आपने देखा कि घर विहीन सब लोग हैं, कच्चे मकान में हैं, नीचे से पानी लगा हुआ है, धीरे धीरे ढह रहे हैं। इनके ऊपर कोई सरकार की कोई भी आपदा राहत अभी तक नहीं मिली ना आगे इन लोगों के, मैं अवगत कराना चाहता हूं कि आगे इन लोगों को आपदा राहत मिले, मकान मिले, प्रधानमंत्री रोजगार प्रधानमंत्री आवास मिले। इसीलिए हम आपके मीडिया के माध्यम से सरकार को और योगी जी को, शासन को ये संदेश देना, जैसे कि आप यहाँ क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, क्या इस संदर्भ में आपने प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत कराया विनोद जी? अभी तक हमने तो नहीं कराया, लेकिन हम अपने प्रधान जी महोदय से निवेदन करेंगे, सेक्रेटरी महोदय से निवेदन करेंगे और क्षेत्रीय लेखपाल जी से निवेदन करेंगे कि आकर के यहाँ का दौरा करें, और मीडिया के माध्यम से हम तहसीलदार महोदय से निवेदन करेंगे कि आकर यहाँ दौरा करें और जितने भी पीड़ित हैं उनको प्रधान